वेलकम टू पटना एजुकेशन पे समस्त वेरी गुड आफ्टरनून। कंप्यूटर तुम महामाराथन क्लास आज आम डिस्कसन करवा तो क्लास आरंभ करने पूर्व कहीदे चाहिए तो आज 200 क्वेश्चन पखापाखि आम अच्छी 200 क्वेश्चन नो आई थिंक टे अधिक क्वेश्चन हम तुम जोटा कि आज आज क्लास डिस्कसन करवा जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण आज जो मैंने भी यहाँ रिविजन क्लास कहीदे चाहिए क्लास पूर्व केवल सिलेक्टेड एमसीक्यूज तुम एग्जाम कौ भाया क्वेश्चन आसे ना फास्ट तुम क्वेश्चन आसे जो गुड़िक कि आम कहीपर फुल फर्म धर पचारदेला सीआरटी तो फुल फर्म कौन आउ गोटे ट्रू आंड फॉल्स आसे आउ गोटे आसे जहाँ भी थाए धर कंट्रोल सी कॉपी है कंट्रोल भी पेस्ट है ये तीन प्रकार क्वेश्चन तुम मैक्सिमम आसे ठीक अच्छे। तो आज जो आम माराथन क्लास करवा ये तीन टा जाक टॉपिक रो जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी सबकि डिस्कसन करवा तेणु कहीं भी सेशन टी मिस कर ओ ट्रिपल इस रेकोसी एग्जाम तुमने दौ था फॉरेस्ट गार्ड हो फॉरेस्टर हो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर हो कि जो भी आगे एग्जाम आसूम तुमने प्रिपेयर हो कि एग्जाम देवा जाऊ निश्चिंत भाव देखिपर आय समस्त एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। ओके तो क्लास आरंभ करने पूर्व गोटे मोटिवेशनल क्वोट तुम कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेल्युअर इज नॉट फाइनल नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेल्युअर। तो सक्सेस जो आम कहे सफलता केवे भी यहाँ परमानेंट नुह जड़े आज सफल होने नुहजे का विफल हेनी तो कल भी से विफल हो पाए ठीक अच्छे। तो आज जड़े जदि विफल होता के फाइनाल नुह से आगक ट्राए करके चलला तो निश्चिंत भाव सफलता पाईपर तेणु केबे भी सक्सेस परे निजर काम बंद करवा उचित नुह कारण सक्सेस परे जदि काम करवा बंद करदेव काम न कर सक्सेस मिली फेल्युअर ही मिल ठीक अच्छे। सेमती जदि सक्सेस न मिलू फेल्युअर होटा भी फाइनाल नुह तेणु फेल्युअर पर निश्चिंत भाव नेवर गिव अप भाविकी पुणी ट्राए करवा आवश्यकता रही ठीक अच्छे। तेणु बहुत जन पिला कौन करती ना भावती टेन्थ बा ट्वेल्थ पर कौन ना सबकिला एवं तो आम बहुत बढ़िया स्कोर करदेलु जे लाइफटा पूरा मानने कौन कहती ना पूरा आज बढ़िया कटो कि कौन हुए ना जो से माने जॉब करती तो से कौन हुए ना से जी से माने कर्म न करती तो कौट आस तेणु फेल्युअर ही देखा पाती। ओके तो यही मोटिवेशन सह आज क्लास आरंभ करवा। तो आज क्लास मुझे डिस्क्राइब करी कौन क्वेश्चन क्लास आरंभ कहीदे जिते जल्दी तुमने आंसर दे पार से ही देखार आज रहा केते जल्दी तुमने आंसर दबो ठीक अच्छे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन तुमको सीआरटी फुल फॉर्म कौन कह सीआरटी। तो सीआरटी फुल फॉर्म पे कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब कौटी अच्छी ना ऑप्शन बी रे अच्छी कैथोड ट्यूब आम पिक्चर ट्यूब आपको कहू पिक्चर ट्यूब जो आम कहे टीवी जो भी आग काल टीवी जो थी से गुड़ाक आम सीआरटी लगुला कैथोड रे ट्यूब लगुला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रम। तो सीडी मन रखी थोड़ा गोटे वर्ड सीडी जहाँ को आम कंपैक्ट डिस्क कहू रम है रीड ओनली मेमोरी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रम आम जहाँ को कहे कौटी अच्छी ना ऑप्शन सी रे अच्छे ये कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जोटा कि गोटे नॉन वोलेटाइल मेमोरी हाँ ना ना वोलेटाइल के नुह राम है राम टा वोलेटाइल मेमोरी एति मन रखी था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू बा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोटी ना ऑप्शन बी रे अच्छे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दि भागे विभक्त गोटे है एएलयू आउ गोटे है सीयू। सीयू है कंट्रोल यूनिट एएलयू है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू आउ सीयू दुटा जाक मिसिकी सीपीयू थाए आ सहित गोटे थाए रजिस्टर आम जहाँ कहे मेमोरी यूनिट ठीक अच्छे तीन टा जिनस को नहीं सीपीयू गठित ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। तो सीडी फुल फॉर्म पे एग्जाम बारंबार पचारे सीडी बा कंपैक्ट डिस्क कहे कंपैक्ट डिस्क कौन ना आम जो टीवी टीवी आम जो सीडी मेसीन लगू तादर जो एमती गोलिया गोटे डिस्क आस मझे कणा थाए बहुत झलमल करे टे तो से गुड़े को सीडी। तो कंपैक्ट डिस्क गोटे मन रखी थोड़ा गोटे स्टोरेज डिवाइस स्टोरिंग आम व्यवहार करूँ आउ जोटाक नॉन वोलेटाइल मेमोरी यहाँ भी मन रखी थोड़ा एग्जाम पचारिदेव जो यहाँ कौ टाइप र मेमोरी ठीक अच्छे। माराथन क्लास करूचे मानने नॉनस्टॉप करके ठीक अच्छे जल्दी जल्दी तुमने केते जल्दी आंसर दे पार देखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी। सीआरसी फुल फॉर्म कौन ना सीआरसी।
तो सीआरसी कोटा कौन ना सीआरसी है फास्ट आम ये देखा कौटा कब ना साइक्लिक रेडुनान्सी चेक तो यहाँ गोटे एरर चेक आम व्यवहार करूँ एरर एरर चेकिंग कोड गोटे कहीपर एरर चेक करने आम व्यवहार करूँ जो भी आम डिजिटल नेटवर्क थाए से आउ बे आ विषय में कहबी आगुरी अलरेडी यहाँ मुझे कही सारी देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओ डस तो डस जो आम कहे डस कौन ना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँकि गोटे आम कहीपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डस तो यहाँ गोटे जो आम कहे कंप्यूटर में व्यवहार कराए फॉर कंप्यूटर यहाँ पचारिदेव तुमको जे डस जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यापी जमती कि पचारि दिए एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड कौन पाई कि ना एंड्रॉइड आमर मोबाइल पाई मोबाइल बा स्मार्टफोन पाई एंड्रॉइड कौन ना आम जो कहे क्रोम बुक है क्रोम बुक जोटाक गोटे देखी आसोस फासोस आसूसीटा कौन ना आम लैपटॉप क्रोम बुकटा कौन ना वन टाइप ऑफ लैपटॉप आम कहीपर क्रोम बुक जोटा आसबुरे व्यवहार कराए मोबाइल है कि क्रोम बुक है यह सबुरे व्यवहार करा जाए कौन ना एंड्रॉइड व्यवहार करा जाए एटा मध्ये मन रखि दिबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गुरुत्वपूर्ण रही ठीक अच्छे देन क्वेश्चन की जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीडी तो एचडीडी कौन ना हार्ड डिस्क ड्राइव तो हार्ड डिस्क ड्राइव ऑप्शन ए हम ये राइट आंसर हार्ड डिस्क ड्राइव देन आउ गोटे कथा पचारे एसएसडी तो एसएसडी रो फुल फॉर्म मन रखि दिबो सॉलिड स्टेट ड्राइव तो सॉलिड स्टेट ड्राइव बा एसएसडी जो आम कहे दीटा जाक हार्ड डिस्क है एसएसडी है बोथ कौन ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी बा स्टोरिंग डिवाइस ठीक अच्छे मन रखि थी जहाँ भी की पॉइंट लिखुची की पॉइंट रह तो मैंने आगक बढ़ ठीक अच्छे जो भी की पॉइंट रोचे से की पॉइंट गुड़ाक मन रख तथा कहीदेवि ये डिस्क्राइब करदेगी है तो यह सब भी मन रख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गुरुत्वपूर्ण रही देन नेक्स्ट क्वेश्चन एचएलएल तो एचएलएल है कौन ना हाई लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन बी हम ये राइट आंसर हाई लेवल लैंग्वेज कौ गुड़िक नमर सी सी प्लस प्लस जाभा पाइथन कटलिन है तो ए टाइप रो जो भी लैंग्वेज गुड़िक रहिला जो गुड़िक कि आमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रे आम व्यवहार करूचे से सब है आमर एचएलएल बा हाई लेवल लैंग्वेज आउ गोटे अच्छी लो लेवल लैंग्वेज हला ट्रिपल एल जोटा कि आम कहू लो लेवल लैंग्वेज ए सब लैंग्वेज कौन कौन टी मत आंसर रे तुमने कह कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर लिखि दियो जे लो लेवल लैंग्वेज को कौ लैंग्वेज गुड़िक यस आर आई रे कंप्यूटर अच्छी सिलेबस तुमने देखिपार यस आसेंबली लैंग्वेज है कौन ना आम लो लेवल लैंग्वेज गोटे आम कहीपर वन टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस देन नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीडी मोस्ट इंपोर्टेंट एलसीडी एग्जाम रे बारंबार पचारे जो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन डी हम ये राइट आंसर ये जो आम कहे एलसीडी आम जो कहे आउ गोटे अच्छे कौन एलसीडी आउ गोटे अच्छे एलईडी तो एलईडी कौन मत फुल फॉर्म तुमने कह फुल फॉर्म कह ता भितर मुझे केत पॉइंट कहीदी जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तुमने देखिथ टाइप स्ट्रक्चर होता है ता भितर होता है एमती दुटा तार बाहर था यहाँ आम एलईडी कहू तार अलग प्रकार डिजाइन अच्छे माने बुझिया पई कहिदेले आउ आमे जो कहूचे एलईडी हला एलसीडी एटा सॉरी एटा हला एलईडी जोटा कहली एटा एलईडी रो तम मानकु एलईडी जो बल्ब कहूचे एलईडी रो डायग्राम कली एलसीडी कोन ना हमर टीवी रे जोटा लागुची एटा हला एलसीडी रो फुल फॉर्म एलईडी रो कोन फुल फॉर्म मते कह यस लाइट इमिटिंग डायोड ए दुटा जाक मन रखि थी एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ठीक अच्छे ए दुटा जाक मन रखि थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण तुम कि ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन तीन टा जिन तुमको मुझे आगुरी कही बारंबार लैन वन पैन मैन एगुड़ाक मन रखि थी कारण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गुरुत्वपूर्ण पूर्वर तुम ओ ट्रिपल ईसी एग्जाम मोर भल भाव मन अच्छी जे तुमको पचारि जे लैन रो फुल फॉर्म कौन बा लैन कौन पचारि तो ये मन रखि थी लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन डी हम ये राइट आंसर लैन जोटा आम कहे लोकल एरिया नेटवर्क देन तुमको आउ गोटे कथा मन रखा पड़ो जे आम वन कहू वन है कौन ना वन है सबुठ बड़ नेटवर्क जहाँ को वाइड एरिया नेटवर्क कहू देन आ तलू आसे कौन ना आ तलू आसे मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जोटा कि गोटे सिटी किंबा गोटे बड़ सिटी के आम कवर करू देन आसे आ तलू को लैन बा लोकल एरिया नेटवर्क
ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ତଳକୁ ଆମର ଆସେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ପର୍ସନାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଆସେ, ତା ତଳକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭିପିଏନ୍ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଫୋର୍ ନେଟୱାର୍କ ଟାଇପ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ନେଟୱାର୍କ। ୱାନ୍ ହେଲା ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଲ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଭିପିଏନ୍ ହେଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ନେଟୱାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହଁ, ଲାଇକ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କର ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଏଲ୍? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେଉଁଟା କହିଲି କ'ଣ ନା ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଏଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରିପଲ୍ ଏଲ୍ ବା ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତମମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମେସିନ୍, ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା କ'ଣ ନା ମେସିନ୍ ସିଏଚ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଇ, ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଟ୍ରିପଲ୍ ଏଲ୍ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମ୍ୟାନ୍ ବା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏମ୍ ପି ୟୁ? ଏମ୍ ପି ୟୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏମ୍ ପି ୟୁ? ଏମ୍ ପି ୟୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଟାଇପ୍ ହେଲା, ମାନେ ସରି ନେଟୱାର୍କ କହିଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାଇପ୍ ହେଲା। କେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ? ଅପସନ୍ ସି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ରୋସେସିଂ କିଛି ନଥାଏ, ପ୍ରୋସେସର ଥାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରୋସେସର ଥାଏ ହେଲା, ସରି ରଙ୍ଗ ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖିଛି, ପ୍ରୋସେସର ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରୋସେସିଂ ନୁହଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ୟୁନିଟ୍ ବା ଏମ୍ ପି ୟୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ କେବେ ବି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବନି, ନହେଲେ ମୋଇ ମୋଇ ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମୋଡମ୍? ତ ମୋଡମ୍ ମନେ କିତାଅ ମଡୁଲେଟର ଆଉ ଡି ମଡୁଲେଟର, ମୋଡମ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେସିନ୍, କ'ଣ କରେ ଏଇଟା, କାମ କ'ଣ ନା ମୋଡିୟମ୍ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାକୁ ଆନାଲଗ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରେ, ଅର୍ ଆନାଲଗ୍ ଡାଟାକୁ ଡିଜିଟାଲରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଡୁଲେଟର ଆଉ ଡି ମଡୁଲେଟର, ଘରକୁ ଯେଉଁ ବି ସିଗ୍ନାଲ ତମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ତମମାନେ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ମୋଡେମ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପି ସି? ପି ସି ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ ଯେ ପି ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ପି ସି ହେଲା ଆମର ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠି ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି, ପି ସି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପି ସି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ପି ସିଟାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମମାନେ ନା ପି ସିର ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିବା, ଯେ ଏଇଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉଥିବ ଯେ ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ କଲା ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ସେମିତିଆ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପି ସି କହିବାନି। ତାର କାପାସିଟି, ତାର କାପାସିଟି ରଖୁଥିବ, ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ପି ସି କହିବାନି, ତାର କାପାସିଟି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ଭଳିଆ ଦରକାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନା ତାର ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଟଙ୍କା 50,000 ମିଳୁଥିବା ଦରକାର, 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପି ସି କହିବାନି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଜଣେ ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯଦି ପାଇଲା କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଯେମିତି ତାକୁ ଇଏ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ପି ସି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟେସ୍, ଲାପଟପ୍ ହେଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ, ପି ସି ମାନେ ଲାପଟପ୍ ବି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେସବୁକୁ ଆଉ ତମେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ କରନି, ଗୋଟେରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପି ଡି ଏ? ତ ପି ଡି ଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ପି ଡି ଏ ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହୁ। କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ପି ଡି ଏ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା ମୋବାଇଲ କି କହିପାରିବା, ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅ ତମମାନେ, କେବଳ ମୁଁ କହିବିନି ସବୁ ଜିନିଷ ତମମାନେ ବି କହିବ, କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଉଛ ଦେଖିବି। ଓକେ, ପୋର୍ଟେବୁଲ, ପୋର୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ ପର୍ସନାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋର୍ଟେବୁଲ କିଏ କହୁଛ, ଦେଶ ମୁର୍ମୁ, ନାଇଁ ପୋର୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ୟେସ୍, କାଲକୁଲେଟରକୁ କହିପାରିବା, ମୋବାଇଲ ହେଲା, ଆମର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଡିଭାଇସ୍, ଛୋଟ ଡିଭାଇସ୍ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଧରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ,
ହେଲା, ସେସବୁ ଆମର ପିଡିଏରେ ଯିବ। ୟେସ୍, ଲାପଟପ୍ ବି ଯାଇପାରିବ, କ୍ରୋମବୁକ୍ ବି ଯାଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଡିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ମୋବାଇଲ ହେଲା ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପିଏଲ୍ସି? ପିଏଲ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ପିଏଲ୍ସି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପିଏଲ୍ସି, ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଲଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରୁ? ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନା, ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ରୋବୋଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ରୋବୋଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା କି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ପିଏଲ୍ସି ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଲଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ହେଲା। କାରଣ ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉଠେଇକି ଏଠି ନେଇ ରଖିବ, ମାନେ ସେମ୍ କଥା ହିଁ କରିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଆ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖନି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିଭି? ଟିଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟିଭି? ଟିଭି ହେଲା ଟେରାବାଇଟ୍। ଆମେ ଟେରାବାଇଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ୟୁନିଟ୍, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଂ ୟୁନିଟ୍ କହିପାରିବା ଟେରାବାଇଟ୍। ଟେରାବାଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଟିବି କେତେ ଗିଗାବାଇଟ୍? କେତେ ଗିଗାବାଇଟ୍ ୱାନ୍ ଟିବି ଯେ କେତେ ଗିଗାବାଇଟ୍ ନା 1024 ଗିଗାବାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 1024 ଟିବି ଯେ 1024 ଟିବି ଯେ ୱାନ୍ ପେଟାବାଇଟ୍ ହେଲା, ପେଟାବାଇଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମନେ ରଖିଥିବ ଟିବି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ପେଟାବାଇଟ୍ ଟେରାବାଇଟ୍, ଟେରାବାଇଟ୍ ଉପରଟା ପେଟାବାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ URL? URL ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, https ଏମିତି ଡବଲ ସ୍ଲାସ୍ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁ ଆକୁ URL କହୁ, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର। ଅପସନ୍ ବି ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିପାରିବା ୱେବ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ VAST? ତ VAST ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ସ୍ପିଡ୍, ମାନେ ତମମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ, କିଏ କ'ଣ ଲେଖୁଛ ବି ଦେଖୁଛି। VAST ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କୁହ? ନା ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଆପାର୍ଚର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍। ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଆପାର୍ଚର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଟୁ ୱେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିନା ଆମର ଥାଏ, ଆଣ୍ଟିନାର ଯଦି ତାର ରହିଲା କ'ଣ କହିପାରିବା, ତାର ଯେଉଁ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନାର ଯେଉଁ ଆମର ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଥାଏ, ତାର ଯଦି 3.8 meter ସାଇଜ୍ କମ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଯିବ କେଉଁଠି ନା VAST ରେ ଯିବ, ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଆପର୍ଚର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଯିବ, ଟୁ ୱେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ WAN? ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ୱାନ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ୱାନ୍ ହେଲା ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ୱାନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଲାର୍ଜ ଲାର୍ଜ ନେଟୱାର୍କ, ୱାନ୍ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଥାଏ, ୱାନ୍ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? WAN ଉପରକୁ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ? ୟେସ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମେ କହୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଚଲାଉଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ASP? ASP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ASP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭର୍ ପେଜେସ୍। ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିଥିଲ, କ'ଣ ନା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯେ ସାର୍ ASP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭର୍ ପେଜେସ୍ ହବ କି? ମୁଁ ତା ତଳେ ଲେଖିଥିଲି ୟେସ୍, ତ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ତ ASP ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭର୍ ପେଜ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭର୍ ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସର୍ଭର୍ ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼୍, ଏଇଟା କରିଦେଲି ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭର୍ ପେଜ୍ ହବ କେଉଁଠି ଦେଇଛି ଅପସନ୍, ୟେସ୍ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ISP? ISP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କୁହ? ISP ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର, ଯିଏକି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। କିଏ କିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି? ଧରିନିଅ ଆମର ନିକଟରେ କିଛି ବି, ଧର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଧର ଆମେ କହିପାରିବା ଏୟାରଟେଲ, ଜିଓ, VI, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, BSNL ହେଲା, ତ
ଏ ସବୁ ଯାହା ବି ରହିଲା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅଛି ତମମାନେ କରିପାରିବ। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଓଏସ୍? ଓଏସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। କେଉଁଠି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓଏସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଓଏସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ RESOURSES ହେଲା, ମ୍ୟାନେଜେସ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ADSL? ADSLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ADSL ହେଲା ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କ'ଣ ଲାଇନ୍, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇନ୍। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇଡ଼ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଓ ବା ଭଏସ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ସରି ଏଠି ଭଏସ୍ ବି ଲେଖିଦେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁକି ବେଟର ହେବ, ଭାଇଡ଼ ଆଉ ଭଏସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭଏସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆମର ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ କପର୍ ୱେୟାର୍, ଯେଉଁ କପର୍ ୱେୟାର୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ କପର୍ ୱେୟାର୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ADSL କହୁ, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଲାଇନ୍ କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି। ଅଞ୍ଜଲି, ରେଣୁବାଳା, ରିତିକା, ରିନୁ, ରାଜ, ମଧୁମିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଏସ୍ପି ଆନନ୍ଦନ, ଭାନୁପ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପକ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ AVI? AVI କ'ଣ ନା AVI ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ .AVI ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍, ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଆସେ। AVIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରଲିଭ୍, ପିଲାମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରଲିଭ୍, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ନୁହଁ, ଅପସନ୍ ବି ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରଲିଭ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍, ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କହିପାରିବା ଆମେ ଆକୁ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପାଇଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ ତ, ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କର, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା କର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ବାୟସ୍? ତ ବାୟସ୍ ହେଲା ବେସିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବେସିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁ ଆମେ ବାୟସ୍ କହୁଛେ, ବାୟସ୍ର ସବୁ କାମ କ'ଣ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାୟସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ବାୟସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପାୱାର୍ ଅନ୍ ହୁଏ, ସିଏ କାମ କରେ ୱାର୍କ ବିଟୁଇନ୍ ୱେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲା ଆଟାଚ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍। ଧର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଛି, କିବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ମାଉସ୍ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରିବା ସେ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେକ୍ଟ କରିନେବ, କନେକ୍ଟ କରିନେବ ହେଲା, ତା ଭିତରେ କାମ କରେ ବାୟସ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କୋବୋଲ? କୋବୋଲର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, କେହି ବି ଚୁପଚାପ ରୁହନି। 400 କେତେ ଜଣ ପିଲା ଦେଖୁଛ? 450 ପାଖାପାଖି 420-430 ପିଲା ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା। 430 ପିଲା ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଯିବ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। କୋବୋଲ ହେଲା କ'ଣ ନା କମନ୍ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କମନ୍ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ DTP? କ'ଣ ନା DTP କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ତ DTP କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିସିଂ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିସିଂ ଯେଉଁ ଆମେ DTP କହୁଛେ ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଉଛ, DTPଟା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ନା ଏଇଟା DTP ହେଲା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ DSL? DSLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା DSL ଡିଜିଟାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇନ୍ ବା ଗୋଟେ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି JK, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ XHTML?
एस एक्स एच टी एम एल ला फुल फॉर्म कौन टिके कुओ ना एक्स एच टी एक्स लगी ची माने केबे भी भाभी बोनी तो माने जे एठी एक्स रु आरंभ हो एक्स रु केबे भी नहीं ई रु आरंभ हो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वन टाइप ऑफ कौन ना अमर लाइक कोई परिवार कौन एच टी एम एल जेमती बा एक्सएमएल जेमती सही टाइप रो गोटे लैंग्वेज बा कोई परिवार यूजर इंटरफेस पाई की व्यवहार करा जाए बा यूआई पाई की व्यवहार करा जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल तो एक्सएमएल तुमको टिके पूर्व एग्जांपल देतली जे एक्सएमएल जो हमें कहूचे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज तो जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वन टाइप ऑफ यूआई लैंग्वेज बा यूजर इंटरफेस लैंग्वेज बा डिजाइन पाई की एटा व्यवहार करा जाए ऑप्शन बी हम एटी राइट आंसर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कहो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट तो फैट रो कौन ना फैट माने एठी हमें जो चर्बी कहूने चर्बी नुह है ये चर्बी नुह फैट रो फुल फॉर्म कौन टे कह फैट है आम मनोकित फैट फाइल आलोकेशन टेबुल है फाइल आलोकेशन टेबुल है फैट फाइल आलोकेशन टेबुल कोटी ना ऑप्शन डी रे अच्छे ऑप्शन डी हम एटी राइट आंसर तुम मनकर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोटॉन फोटॉन जो आम कहे फोटॉन फोटॉन कौन ना फॉर्मूला ट्रांसमिशन तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो बा फोटॉन आम कहे फोटॉनटा कौन कह देखा फॉर्मूला जो आम कहले ट्रांसलेशन फॉर्मूला ट्रांसलेशनटा कौन एटा टे मत कह तुम मैंने फॉर्मूला ट्रांसलेशन कौन सर है जब ओके डेफिनेटली हम आज क्लास कर आज क्लास रु मु ग्यारंटी दूँ तुम मानक जितकी भी क्वेश्चन आसो पखापाखी मु ग्यारंटी यहाँ दौर 40% क्वेश्चन ए क्लास रु आस 40% क्वेश्चन ए क्लास रु आस जो मैंने भी क्लास करुच लास्ट पर्यटन रही कर देख हला फॉर्मूला ट्रांसलेशन एटा कौन यस वन टाइप ऑफ लैंग्वेज देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमएल जीएमएल ला फुल फॉर्म कौन कह जीएमएल ना जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज बा ऑप्शन सी हम एटी राइट आंसर जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज वन टाइप ऑफ लैंग्वेज एटा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडी एचडी कौन ना हाई डेफिनेशन ऑप्शन डी हम एटी राइट आंसर एच डी जो आम एच डी टीवी कहू कौन ना हाई डेफिनेशन टेलीविजन तो ये ही देदेला जो हाई डेफिनेशन टेलीविजन ऑप्शन बी हम ये राइट आंसर जो एच डी टीवी घरे घरे जो टीवी लगी एच डी टीवी लगी कथा कह जा देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच टी टीपी गोटे थाए एच टी टीपी आउ गोटे थाए एच टी टीपीएस तो एच टी टीपी आउ एच टी टीपीएस भितर गोटे ही केवल पार्थक्य जे यहाँ है कौन ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकल हला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकल कोटा ना ऑप्शन सी जोटी भी एस लगे किसी ना ये जगह सिक्योर लिखिदेव सिक्योर तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकल सिक्योर तो यहाँ हो HTTPS गोटे क्वेश्चन दुईटा जाक तुम मन रही है देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनपी पीएनपी कौन ना प्लग एंड प्ले जो पोर्ट्रे थे आम कौन ना प्लग एंड प्ले गुंज खेल जो ए जो पोर्ट जो था प्लग एंड प्ले ऑप्शन सी हम ये राइट आंसर पीएनपी देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईओएफ ईओएफ रा फुल फॉर्म कौन ना ईओएफ है एंड ऑफ फाइल गोटे जिनस जो फाइल रा एंड हो जाए से हमें ईओएफ कहू एंड ऑफ फाइल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स फ्लॉप्स रा फुल फॉर्म कौन ना फ्लॉप्स पिला माने मन रखी था फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड जोटा कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस कहू एटा कौन पर देखा जाए परफॉर्मेंस हला कंप्यूटर परफॉर्मेंस पर देखा जाए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड फ्लॉप्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीबीसी ओडीबीसी कौन कहल ना ओडीबीसी है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आम रहा इंटरफेस रहा तार जो भी आमर डाटाबेस रहा तार मैनेजमेंट पाई आम व्यवहार करू ओ डी बी सी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्स एस एल एटा एक्सएमएल कहूने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहूने आम सरी एक्सएमएल कहूने बा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आम कहूने
एटा में XSL आमे कहूँ XSL कौन ना एक्सटेंसेबल स्टाइल सेट लैंग्वेज स्टाइल सेट पाई एटा व्यवहार करा जाए एक्सटेंसेबल स्टाइल सेट लैंग्वेज ऑप्शन डी ये हम राइट आंसर है जोटी भी एक्स दे थो सी यू आरंभ कर मन रखी था एक्सटेनसबुल आरंभ कर देखीदेव जनापड़ तुमको आउ कौटी भी एक्सटेनसबुल अच्छी ये जो चार अप्सन देखु आउ कौटी एक्सटेनसबुल अच्छी कि ना तो ये तुमने आरंभ कर नेक्स्ट क्वेश्चन ह्वाट इज द फुल फर्म अफ डीपीआई डीपीआई रुल फर्म कौन ना डीपीआई पे मन रखी डट्स पर इंच डट्स पर इंच बा डीपीआई कौन पाई व्यवहार कराए ना प्रिंटर र्वाटी व्यवहार कराए जहाँ डीपीआई जिते अधिका से प्रिंटर सेते भल जिते अधिका डीपीआई सेते प्रिंटर भल बा बहुत क्वालिटी बा क्लारिटी जो आम कहीपर प्रिंटर प्रिंट क्वालिटी बहुत बढ़िया आसे डट्स पर इंच बा जो गुटाक ये कहीदेपी चाहिए डट्स पर इंच कौन ना गोटे स्क्वेयर स्क्वेयर सैज मान गोटे इंच रक्वेयर ये गोटे इंच सब स्क्वेयर इंच जो आम कहे तारी भितर जितेटा डट थी आम कहे डट्स पर इंच यो स्क्वायर इंच आम बेले बेले कहीदे देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई एल आई एल फुल फॉर्म कौन आई एल कौन ना इंटरमीडिएट लैंग्वेज ऑप्शन बी इंटरमीडिएट लैंग्वेज गोटे एग्जांपल दियो मत आग इंटरमीडिएट लैंग्वेज रो एग्जांपल गोटे दियो कौ कौ मान एग्जांपल दे पार देखा आई एल बा इंटरमीडिएट लैंग्वेज गोटे एग्जांपल है डॉट नेट डॉट नेट व्यवहार करा जाए गोटे इंटरमीडिएट लैंग्वेज हला कहारी आसलानी ए पर्यंत फोटन डॉट नेट देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम आईबीएम रो फुल फॉर्म कौन ना आईबीएम हला आम कहीपर फास्ट आमर प्रथम बिजनेस मशीन हला आमर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ऑप्शन सी फास्ट कंप्यूटर कंपनी जो आम कहे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईई आईई रा फुल फॉर्म कौन आईई मन रखी था इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन इंटरनेट एक्सप्लोरर गोटे वन टाइप ऑफ ब्राउजर हला ब्राउजर ना 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 भूल कहीदेली तुमको इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन यस द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी आईआरसी रो फुल फॉर्म कौन कह आईआरसी रो फुल फॉर्म कौन ना आईआरसी हला इंटरनेट रिले चैट तुम जो चैट वर्तमान पठाऊ मुठी पढ़ूचे तार आंसर दौची यही जो जिनसटा आम जो इनस्टांट चैट कहे इनस्टांट इनस्टांट चैट तेणिक जोटा होता है व्हाट्सअप हो आमर टेलीग्राम हो अन्य जहाँ भी रहा तुम फेसबुक हो आमर इंस्टाग्राम हो सबु किछि एइतरे चले इंटरनेट रिले चैट ऑप्शन डी हबो एठी राइट आंसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी जेपीईजी रो फुल फॉर्म कोन ना जेपीईजी हला जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप कोटी अछि जॉइंट एठी ऑप्शन बी रे अछि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप पिलामाने मु जो भी ऑप्शन गुड़िक कहीदे जाऊँ तुमको गोटे कथा मन रखी था कहूँ गोटे काले बाय चांस जोटी भी मोर बाजिगला पेन बाय चांस भूल एपर्तंत मत लगुच कौटी बाजी ना जदि बाजिगला तुमने मत सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में लिखे मत करेक्शन करदे मुझ चाहूनी जे पचर जी भी देख पाखे काले से क्वेश्चन टाक भूल काले करदे ठीक अच्छे तो से कहूँ किसी भी भाविबार ना कि भी अन्य कथा करार ना खाली जो जगार भूल बाजुज काले मुझी गोटे काले आउ कौ जगार मारि देवी कारण बहुत जल्दी मत भी पढ़ी टिक मार्क करार अच्छी है तो से कहूँ तुमको दे नेक्स्ट कौन हम ये कह जे क्वेश्चन पचारा जे लासो टूल इज यूज टू सिलेक्ट पार्ट ऑफ ए लेयर फॉर एडिटिंग एडिटिंग रे गोटे एमती लासो टूल थाए तो लासो टूलटा गोटे पार्ट को सिलेक्ट करने कि व्यवहार हुए ना ना यहाँ हिं पचार तुमको एस और नो अरे आंसर मते दियो तुम मैंने जे ट्रू और फॉल्स लासो टूल यस डेफिनेटली यूज हुए ट्रू हम ये राइट आंसर कारण एग्जाम रे ट्रू और फॉल्स रु क्वेश्चन आसे जो माने भी क्लास जो माने भी एग्जाम दौछ जानी जे ट्रू और फॉल्स रु एग्जाम रे केमतिया क्वेश्चन सब आसे ट्रू और फॉल्स रे भाबु थिबो गोटे हम गोटे देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला
पैलेट स्टोर्स एंड डिस्प्ले ईच एक्शन परफॉर्म्ड ऑन एन इमेज। तो पैलेट जो कहे पैलेट स्टोर करे कि पैलेटा कौन स्टोर करे, पैलेट कौन शो करे, जहाँ भी आम इमेज करुचे पैलेट कौन स्टोर करे ना तार हिस्ट्री स्टोर करे। पैलेट सदाला पाई हिस्ट्री स्टोर करे मन रखी थी। देयर आर टू डिफरेंट कलर बक्सेस अवेलेबल इन द टूल बक्स। कलर जो भी आम कलर बक्स कहे तार दि प्रकार कलर बक्स थाए कि देयर आर टू डिफरेंट कलर बक्सेस अवेलेबल इन द टूल बक्स। येस और नो, ट्रू और फल्स। डेफिनेटली दुटा कलर बक्स थाए। तो मैंने जदि प्रीमियर को जीव है जो आम फोटोसॉप कहे, फोटोसॉप को जाकि देख तो दि प्रकार टूल थाए। तो ऑप्शन बी ये हम राइट आंसर। दि प्रकार से कौन थाए ना आम कलर बक्स थाए। देन हिडन हाव स्मॉल ब्लैक ट्रायंगल एट राइट हैंड कॉर्नर। हिडन गोटे स्मॉल गोटे ट्रायंगल जदि विंडोज रे देखिबो एई कल एमते गोटे थाए ना नहीं कहले देखिबा। हिडन स्मॉल ब्लैक ट्रायंगल राइट हैंड कॉर्नर रे थाए कि ना? यस डेफिनेटली थाए। ट्रू हबो एठी राइट आंसर हला। गोटे फोरग्राउंड आउ बैकग्राउंड कलर बॉक्स रे गोडा कथा ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। ट्रू हबो एठी राइट आंसर। डब्ल्यूआई मैक्स। डब्ल्यूआई मैक्स टेक्नोलॉजी इज अ डैश कम्युनिकेशन डिजिटल सिस्टम। तो डब्ल्यूआई मैक्सटा कोई प्रकार गोटे सिस्टम कहले देखा टेक्नोलोजी कहींपर आम ना यहाँ वन टाइप ऑफ आमर वायरलेस टेक्नोलोजी। ऑप्शन बी हम ये राइट आंसर। गोटे आमर वायरलेस टेक्नोलोजी जोटा कि वर्ल्ड वाइड यहाँ चले है ठीक अच्छे। यहाँ गोटे टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलोजी आम कहीपर यहाँ को वायरलेस टेक्नोलोजी डब्ल्यूआई मैक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह इन डैश टोपोलोजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू नेबरिंग कंप्यूटर टू फॉर्म क्लोज सर्किट। तो कौ प्रकार टोपोलोजी रे, टोपोलोजी कौन ना कंप्यूटर भितर परस्पर भितर केमती कनेक्ट होता आमर स्टार थाए, रिंग थाए, बस थाए, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थाए। से टाइप्स गुड़िक आगुरी पढ़े तुमको से रिंग टाइप अच्छी, बस टाइप अच्छी, सब टाइप्स सब अच्छी। एटी कह इन ए डैश टोपोलोजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेबरिंग कंप्यूटर। ना यहाँ केवल संभव हो पार कौन ना रिंग रे ही संभव हो पार। देख ये बुझेदेवी तुमको कारण मुझे तुमने जहाँ भी पढ़ुच 100% पढ़ कही डेस्क्राइब न कले भी जीक भी डेस्क्राइब करुच्छे एग्जाम तारी भितर ही क्वेश्चन आसो बेस डेस्क्राइब करूनि। गोटे जो आम रिंग कहले रिंगटा केमती कहल देखा ना रिंगटा ये टाइप्र एठी गोटे कंप्यूटर एठी कनेक्ट है आउ गोटे कंप्यूटर एठी आउ गोटे कंप्यूटर एठी धर आउ गोटे कंप्यूटर कले एठी आउ गोटे कंप्यूटर ये जो थेला प्रत्येक कंप्यूटर दीटा तार नेबरिंग कंप्यूटर सहित कनेक्ट है ना नहीं ये गोटे आर आर नेबरिंग दीटा ना नहीं। तो ये टाइप जो आम कहले यहाँ रिंग टाइप आम जो कहे बुझिपार ना बुझिपारोनी कौन मैंने बुझिपाल ना ना आउ बस आय जो गुड़ाक रहा से गुड़ाक तुमको नेक्स्ट आगू जो क्वेश्चन गुड़िक आसुड़ बुझेदेवी। दे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह नेटवर्क सिक्योरिटी इज द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डाटा इन डैश इन ए नेटवर्क। नेटवर्क सिक्योरिटी गोटे आम ऑथराइजेशन एक्सेस आम कहींपर गोटे नेटवर्क रे कि नेटवर्क सिक्योरिटीटा ना ना यहाँ आम कहूनी के कहूनी फल्स हम यहाँ ट्रू हेनी। नेटवर्क सिक्योरिटी इज द ऑथराइजेशन केमती ऑथराइजेशन पे कि तुमको कौन कौन देवाक पड़ो ना आईडी पासवर्ड है यही तुम ऑथराइजेशन दे विदाउट पासवर्ड रे आईडी रे तुम ऑथराइजेशन केमती दबो। नेटवर्क सिक्योरिटी कौन एस एच टी टी पी एस कौन लगे तुम आईडी पासवर्ड पड़गला तेणु फल्स हम बुझिकी आंसर दि पाने जो मैंने भी आंसर दौ क्वेश्चन की बुझ आंसर देवा ट्राए कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह देयर आर मेनली डैश टाइप्स ऑफ टोपोलोजीज इन लैन नेटवर्क। केतेटा टाइप रो टोपोलोजी आम टोपोलोजी अच्छी टोपोलोजी कहली तुमको जे कंप्यूटर जमीती कनेक्ट हो परस्पर भितर केमी कंप्यूटर कनेक्ट होटा को आम टोपोलोजी को। तो टोपोलोजी केते प्रकार ना तीन प्रकार मन किता गोटे है कौन ना गोटे है स्टार गोटे है कौन ना रिंग कही तुमको आउ गोटे कौन ना गोटे है बस हला। रिंग तुमको कही सारी पूर्व आग को बसटा कह भी स्टार कहीदे स्टार कौन ना मझे गोटे कंप्यूटर रहा ये एटी गोटे कंप्यूटर एटी गोटे कंप्यूटर एटी गोटे कंप्यूटर मझे गोटे कंप्यूटर रकी सब तार कनेक्ट है यटा को आम स्टार कहले हाला स्टार बुझिपार ना 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 बुझिपार न किए यहाँ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह लाइब्रेरी नेटवर्क यूजेस डैश टोपोलोजी फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेस।
तो लाइब्रेरी नेटवर्क जो आम यूज करुचे को प्रकार लाइब्रेरी जो आम कंप्यूटर गुड़िक थाए से गुड़िक केमती कनेक्ट हो थाए मत कह एटा जी आंसर दब मु जानी सी मानने कौन बहुत तार आईक्यू अधिका आईक्यूटा बहुत अधिका जी आर आंसर दब देखा तुम मन कौन आंसर आसना मन रखि था आमर लाइब्रेरी नेटवर्क सदाला कि केमती चले ना बस सिस्टम रे चले बसटा केमती कहल देखि थ एक सेकरे चेयर पड़ थ मझीरे सिस्टम सब थुआई थोड़ा एकुर को मुँह हो थुआई थोड़ा सेकुर को थुआई थमती मझीरे जा नेटवर्क एक सब कंप्यूटर सब कनेक्ट होमती टाइप रो कनेक्ट होगुड़ाक कौन ना युवाक आम बस कहू है बस बुझिपाल तो ये टाइप रो लाइब्रेरी ये टाइप रो सिस्टम थाए ना ना है यस जो मैंने भी बस देन आईक्यू बहुत कम तुम मानक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह वायरलेस नेटवर्क हाज लेड टू मेनी सिक्योरिटी थ्रेड्स तो वायरलेस नेटवर्क गुड़िकर बहुत सारा नेटवर्क थ्रेड्स थाए कि ए सर नो ना बहुत सारा थाए है एक्जाम बस कि ठीक अच्छे एवं कह ए सर नो ऑप्शन बी फॉल्स नाइ जो मैंने भी फॉल्स कौ भूल कौच ट्रू हम बहुत सारा सिक्योरिटी थ्रेड्स तुम वाईफाई यूज करुच सिक्योरिटी थ्रेड्स ना तेरे अच्छे है थ्रेड्स कही थ्रेड्स नुह थ्रेड्स कही नाउ ए डेज लैपटॉप्स कम्स विथ बिल्ट इन वाईफाई कार्ड्स ट्रू और फॉल्स जे लैपटॉप रे वर्तमान जो लैपटॉप आसुच तादरे वाईफाई अच्छी ना ना एटा ही पचार ना आगर जो कंप्यूटर आसला एबे भी जो कंप्यूटर आसगुड़ाक कि मानने कौन आसेम्बली कराऊ वाईफाई ना तुमको एक्सटर्नाली वाईफाई लगे पड़ो तादरे वाईफाई कार्ड लगे पड़ो कि वर्तमान जहाँ भी आसे लगिकी अलरेडी आसुच तेणु ट्रू हम ये राइट आंसर ऑप्शन ए हम ये राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह ब्लूटूथ यूजेस आरएफ टेक्नोलॉजी आरएफ कौन कह आरएफ मन रखि थ रेडियो रेडियो फ्रिक्वेन्सी तो वाईफाई आम जो सॉरी ब्लूटूथ टा आम आरएफ टेक्नोलॉजी यूज करुचे ना नहीं पचार ये सर नो यस ट्रू हम ये राइट आंसर ए हम ये राइट आंसर जे ब्लूटूथ आमर आरएफ टेक्नोलॉजी यूज करुचे ऑप्शन ए एठी हम राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन डैश टूल इज यूज टू रिमूव द डस्ट एंड स्क्रैचेस फ्रॉम फोटोग्राफ तो कौ टूलटा आम रिमूव कर डस्ट आउ स्क्रैच देखि बेले बेले बहुत पुराणा जो फोटो गुड़िक थाए से पुराणा फोटो गुड़िक कौन हुए ना पुराणा फोटो गुड़िक थाए देखि जमी कि गोटे जमीगला भाया देखा जाए एमती मानते बहुत खराब देखा जाए आम कौरे हटे पारा ना आम हिलिंग टूल हटे पारा हिलिंग टूल है क्लोन नुह हिलिंग टूल क्लोन मान गोटे थी आउ गोटे तार सेमतिया क्लोन नुह एटा हिलिंग टूल आम व्यवहार करूँ देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैजिक डब्ल्यू एंड टूल मैजिक वैंड टूल सॉरी इज यूज टू रिमूव द स्क्रैचेस फ्रॉम द फोटोग्राफ मैजिक वैंड टूल एटा आमर जो भी स्क्रैचेस थाए फोटोग्राफ रे से सब कुछ हटे व्यवहार करा जाए कि ट्रू और फॉल्स ना फॉल्स कौन पाई कि ना फॉल्सटा ये कि है ना आम जो भी स्क्रैच गुड़िक है मैजिक वैंड टूल एटा केवल आम सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कलापर तुम हटे पार नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह द कलर पिक्ड बाय द आई ड्रॉपर अपीयर्स एज अ न्यू कलर तो जितेबाला देखि एमती ड्रॉपर भाया गोटे थाए आम ये टाइप रोटे थाए आम कलर जो थे आम सिलेक्ट करके नौ देखि यही गोटे डिजाइन होगी थाए तो ये आम आई ड्रॉपर रहा से जितेबाला सिलेक्ट करूँ कलर को सीटा गोटे नुआ कलर आकार देखा जाए कि ना ट्रू और फॉल्स मत कह ट्रू है एटा नुआ कलर रे देखा जाए न्यू कलर कारण जो कलर भी सिलेक्ट कर से गोटे नुआ कलर में आड हो नेक्स्ट क्वेश्चन टू रिवर्स द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर क्लिक डैश ऑन द टूल बॉक्स तो जदि तुम्हें फोरग्राउंड आउ बैकग्राउंड दुटा जाकर कलर कौन कर ना रिवर्स कर उल्टे दबो तो कौ टूलटार व्यवहार कर ना स्विच कलर करदे तुम फोरग्राउंड आउ बैकग्राउंड मान ऊपर जोटा देखु आउ पछे जोटा देखु तो ता भितर रिवर्स रिवर्स होटा से पलटा से कलरटा से पलब कंप्यूटर क्यान कम्युनिकेट विदाउट वेयर्स ट्रू और फॉल्स कंप्यूटर विदाउट वेयर रे कम्युनिकेट कर पारिबो ना नाही कह सी की आंसर देला फॉल्स
फॉल्स केमती, फॉल्स जो माने कहो जो केमती, वाईफाई, वाईफाई टा कौन वायरलेस कम्युनिकेशन है ला, तेरे नो ट्रू हवा कंप्यूटर विदाउट वायर रे कम्युनिकेट करी परी बदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सिक्योरिटी कवर्स द डाइवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर, तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो हमें कहो चाहे डेटा हमें डाइवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर कोई बात की ट्रू और फॉल्स कौन हवा को को जल्दी आंसर दियो। नेटवर्क सिक्योरिटी जो हमें कहो चाहे को प्रकार हमर सब अछि को ऊपर डिपेंड करे नेटवर्क जो हमें कहो चाहे ना गोटेला पब्लिक गोटेला प्राइवेट, पब्लिक नेटवर्क गोटेला प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क कौन प्राइवेट नेटवर्क कौन मत कमेंट सेक्शन में जनइबो आगु कही अलरेडी पढ़े अलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कहो वायरलेस नेटवर्क अलाउज नेटवर्क टू बी डेवलप्ड सॉरी डिप्लॉयड विदाउट केबलिंग, तो वायरलेस नेटवर्क आमर विदाउट केबलिंग रे हमरो हेई पारिबो कि ट्रू और फ्लो फॉल्स को वायरलेस नेटवर्क टा हमरो जो भी रहिला विदाउट केबल ले एटा चालिबो कि नाही चालिबो डेफिनेटली चालिबो चालिबो नि कहि ता पई को केबल पकेया को पडिबो तमको पडियो नि सेटा तनो ट्रू हबो। LAN stands for local area network कहिछि ऑलरेडी तमनको यस LAN माने लोकल एरिया नेटवर्क ट्रू हबो एटी हला यस प्राइवेट्स जितिक भी प्राइवेट नेटवर्क रहला तादर पासवर्ड दरकार हुए पब्लिक रे पासवर्ड दरकार हुए नि। नेक्स्ट को गोटे टाइप कहली जे एटा हला गोटे पॉइंट बाकी पॉइंट गुडा को कहिबो मते कमेंट सेक्शन में। द कलर पिक्ड बाय द आई ड्रॉपर अपीयर्स एज ए न्यू कलर ट्रू और फॉल्स ना ट्रू हबो कहितले टिके पूर्व डिस्कशन करितले ऑलरेडी। वायरलेस नेटवर्क हैज लेड टू मेनी सिक्योरिटी थ्रेट्स यस डेफिनेटली एठी यस हबो जे वायरलेस नेटवर्क बहुत सारा थ्रेड्स तादेले थाए ए एलोन कंप्यूटर इज वन व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, तो एलोन कंप्यूटर आमे काहा को कहू ना जदी कोनोसी कंप्यूटर कोनोसी अन्य कंप्यूटर सहित कनेक्टेड न थाए ताको आमे एलोन कंप्यूटर कहू, तो एलोन कंप्यूटर जो आमे कहिले ट्रू हबो एलोन कंप्यूटर गोटे कंप्यूटर जोटा कि कोनोसी कंप्यूटर सहित बा कोनोसी नेटवर्क सहित कनेक्ट न थाए। इन टोपोलॉजी कंप्यूटर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ए सेंटर कंप्यूटर, तो कोई प्रकार हमारो कंप्यूटर जो हमारा देखी दी प्रकार जोटा कि सेंटर गोटे थाए ना तुमको डिजाइन देखी बा सेंटर गोटे थी बाकी सब साइड रे थी यहाँ को आम कौन कहूना यहाँ को आम स्टार कहू स्टार कहू ऑप्शन सी हम ये राइट आंसर स्टार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैन स्टैंड्स फॉर मैन कौन ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऑप्शन सी हम ये राइट आंसर मेट्रो सॉरी यस सी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ठीक अच्छे पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ठीक अच्छे। देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क यस और नो, तो आमर तीन प्रकार नेटवर्क अच्छी यस डेफ आमर अच्छी ना नहीं कह टे थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क फॉल्स हम यहाँ ट्रू ना बहुत प्रकार अच्छी वन है मैन है सो टू लैन है आउ कौन ना प्यान हेला ये सब अलग अलग टाइप अच्छे सात प्रकार अच्छा तीन प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह मूव टूल इज यूज टू मूव सिलेक्टेड लेयर अराउंड, तो मूव टूल ले जहाँ भी सिलेक्ट करे मूव कर ट्रू और फॉल्स यस डेफिनेटली करपसन ये हम ये राइट आंसर। आई ड्रॉपर टूल इज यूज टू सिलेक्ट कलर, आई ड्रॉपर टूलटा सिलेक्ट कलर को सिलेक्ट करने व्यवहार करू कि ट्रू और फॉल्स यस और नो आंसर में मते कह आई ड्रॉपर टूलटा आम सिलेक्ट करने की कलर को व्यवहार करू कि यस करू आई ड्रॉपरटा आम सिलेक्ट करने कलर को नुह आ व्यवहार करू ट्रू हम देयर आर फोर डिफरेंट स्विच टू क्रॉप एन इमेज एटा मुझ बारंबार आगु कही आम तीन प्रकार वे रे गोटे इमेज को काटिपर केमती केमती ए सैड रु काटिपर ऊपर तलू एमती काटिपर कि कणुआ काटिपर तीन प्रकार वे काटिपर तुम्हें कह सार एकुरु काटू एकुरु जो काट यहाँ आरी सांगे ही गला है तेनालीटा फल्स हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज इम्पोर्टाट टू सिक्योर वाइफाई नेटवर्क, यहाँ बहुत जरूरी कि तुम वाइफाई नेटवर्क को सिक्योर करके रख कह
ट्रू और फॉल्स इट इज इम्पोर्टेंट टू सिक्योर वाईफाई नेटवर्क यस एटा सिक्योर ट्रू हम इम्पोर्टेंट सिक्योर करवा दरकार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ राम तो राम रो सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट कौन सेकेंड लार्जेस्ट को बीट ये जो चारिटा ऑप्शन देछि मेगाबाइट गीगाबाइट बाइट टेराबाइट को गोटा कौन ना बाइट हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ राम बाइट हला बीट बीट परे बाइट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्राम स्टोर इन रोम आर कॉल्ड एज कौन जो भी प्रोग्राम गुड़ी का हमारा रोम रे स्टोर होता है बार रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज थाए बा हमारा इंटरनल मेमोरी स्टोरेज थाए ताको में को मेमोरी को ना ताको में फर्मवेयर को फर्मवेयर कोडी छे फर्मवेयर एफ आई आर एम डब्ल्यू आर द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन बकुआ कैसे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन तो कैसे मेमोरी टा कहा कहा भीतर कार्य करे कैसे मेमोरी तो कैसे मेमोरी मन रखिथिबो सीपीयू आउ राम भीतर कार्य करे ऑप्शन सी एठी हबो राइट आंसर We can make use the wildcard entry sort of dash Windows Explorer. को गोटा को हमें जो भी हमारा wildcard entries करी परिबा हमारा Windows Explorer रे को गोटा को question mark आउ asterisk mark है ला बस star mark जो को होचे ये देटा बी और सी नो सी एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ एनालॉग कंप्यूटर कहारा सप्लाई एनालॉग कंप्यूटर टा कोई जिनसर सप्लाई रे काम करे ना एनालॉग टा सदाला मन केतिबो कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस बा हमें कहि परिबा करंट यदि पास कला ताले कहि परिबा कोन ना 1 यदि पास न कला 0 हला एनालॉग कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस रे काम करे हमरो इंटरनल हार्ड डिस्क इज हमरो इंटरनल हार्ड डिस्क टा नॉन रिमूवेबल रिमूव करि परिबा कि इंटरनल स्टोरेज हमर जो अछि से गुडा को रिमूव करि परिबा नै तेनु नॉट रिमूवेबल कोटा कबो एटा फिक्स्ड नॉट रिमूवेबल माने कोन ना फिक्स्ड द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड द कंप्यूटर मेन मेमोरी के हमें कौन कहू छे मेन मेमोरी के हमें प्राइमरी मेमोरी को हला प्राइमरी मेमोरी आउ सेकेंडरी मेमोरी को जोड़ा हमें पकू जोड़ा को हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन सीडी तो गोटे सीडी रे केते थाए केते डाटा थाए ना 700 MB रो डाटा हमें स्टोर करि परबा गोटे सीडी बा कॉम्पैक्ट डिस्क रे तो पिला माने जो माने भी क्लास को देखु जाय पर्यंत लाइक करी ना हो लाइक गोटे लगा करो आउरी बहुत सारा क्वेश्चन अछि क्वेश्चन अधा हैनी वर्तमान अधा हबो आउ किजरा क्वेश्चन अधा हबो आउरी बहुत सारा क्वेश्चन अछि ठीक अछि द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हबो को सीडी रोम स्टैंड्स फॉर सीडी रोम हला कोन ना कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहितली ऑलरेडी तनो एटा को आउ कहिबेनी सेकंड टाइम द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम तो कहार सबुठ छोट बा कहि परबा कम एक्सेस टाइम को जिनसटार ना सबुठ जदि देखिबा वर्चुअल सेकेंडरी कैसे कैसे मेमोरी सबुठारु कहि परबा शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम थायार कैसे मेमोरी रो द नेक्स्ट क्वेश्चन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो तोले हमें यूज करबा माइक्रोसॉफ्ट यूज वर्ड हमें यूज करू तो हमें तादरे कोन करि परबा टेस्ट पिक्चर टाइप फॉर्मेट टेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव ना हमें सब करि परबा एठी कोटा करि परियानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे सब किछ आ भीतर जो भी ऑप्शन उडी कछि सब उडी करि परबा देन नेक्स्ट क्वेश्चन द बाइनरी कोड डेसिमल बा बीसीडी जो हमें कहू छे केतडा यूज करे हमरा बिट्स ना बीसीडी मन रखितबो 6 बिट्स यूज करे 6 बिट्स ऑप्शन ए एठी हबो राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ ए सेकंड तो को गोटा गोटे बिलियन कहि परबा सेकंड रो बिलियंथ ना नानो सेकंड हला नानो सेकंड जो कहू ऑप्शन पी हबो एट राइट आंसर द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर तो मेन मेमोरी दी टाइप रो दी प्रकार रो कोन कोन ना गोटे हला राम गोटे हला रोम राम गोटे रोम गोटे हला वोलाटाइल गोटे हला नॉन वोलाटाइल ए दुटा जक मन रखिथिबो ऑप्शन बी हबो एठी राइट आंसर
केबे भी प्राइमरी सेकेंडरी करिवनि। प्राइमरी सेकेंडरी मेन मेमोरी नुह, प्राइमरी हेला मेन मेमोरी, सेकेंडरी हेला ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक अछि पिला माने, आजर क्लास तुमको भल लगुचि ना नहीं मत आगे टिके जणै देलो। आजर क्लास तुमको भल लगुचि ना नहीं, ना क्लास स्लो होउछि कि स्पीड होउछि कि बुझि पारु न, जहाँ भी अछि कह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवा, आउरी क्वेश्चन बहुत सारा रहिछि तुमको, कह टिके रेस्ट गोटे मिनट नवा, देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवा गोटे मिनट। ओके को जल्दी जल्दी गोटे मिनट भितर को, बहुत भल लगुच। ओके थैंक यू समस्त को, बुझी पार्छ तो समस्ते। ओके थैंक यू समस्त को, बहुत भल लगुच। ओके सार टिके वेट, मु बाथरूम जाइके आसी। ओके एडमिट कार्ड केबे आसीबो? ओके खाई भी के आसी बस पुणी खाई आसी टिको ना सार, ट्रू फॉल्स रे मुंडो बुलेला। ओके ओके बे जहां मुंडो बुलाउची बोलो, एग्जाम रे न बोलो, ब्यूटीफुल। ओके माड़ी चलो सर, आज पूरा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आनी। ओके थैंक यू स्नेहाशीष, एडमिट कार्ड कथा डिस्कशन करिबा क्लास शेष बेलू है, न्यू रिस्टार्ट्स भल लगुच सर। ओके थैंक यू सो मच, यस हाउज दैट जोस। ओके ठीक अच्छे आरंभ करिबा। ओके जे भी जुआडे जाइछो आसिकी कौन स्पीड फॉरवर्ड टिके देखि नबो क्लास गुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह, राम इज अल्सो कॉल्ड एज, राम टा कौन ना टिके पूर्व कहीदी जो वोलाटाइल एटा आम कहू, नॉन वोलाटाइल किए ना नॉन वोलाटाइल है रम है, रम एटा को रम कह ना मेमोरी रम, अन्य कौन सी रम भावनी, एटा मेमोरी रम मु कहू है, कौन सब रम अच्छी है से गुडाक भावनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आट्रिब्यूट स्पेसीफाइज द नंबर अफ टाइम्स द सेकेंड सुड रिपीट है, बुझिपाल ना। तो ये जो कहली को आट्रिब्यूटा आम जो कहे है रिपीट हुए, गोटे जिनसटा बारंबार रिपीट हम देखी थो, जन जड़े एमतीया म्यूजिक प्रेमी अच्छा जो कहते मानने गीतटा को शुणे, जो गोटे गीत शुणे मानने 50 थर खंडे शुणीदे आुणे बंद करदे, तो से टाइप अच्छा। तो सी कौन करती ना गोटे लुप लगे दिखते देखी थो, तो से लुप आम कौन ना गोटे जिनस को बारंबार आम जब चेंज कले आमर विदाउट इनवल्वमेंट से जिन बारंबार बदले बदले चलला सेटा को आम लुपिंग को है, लुपटा सब जगह था। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, तो मेन फोल्डर जो कहे आम से को फोल्डर आम कह देखा ना, मेन फोल्डर सदाला रूट डायरेक्टोरी की आम कहू, रूट डायरेक्टोरी सी है, डी ड्राइव है, जो ड्राइव आम कहे सी ड्राइव डी ड्राइव जो ड्राइव गुड़ाक से गुड़ा कौन ना मेन स्टोरेज फोल्डर आम कहीपर हला, रूट डायरेक्टोरी जोटा आम कहे। ईपीरम, ईपीरम फुल फॉर्म कौन ना इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ईपीरम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आउ गोटे अच्छे ईईपीरम मन रखी, आउ गोटे अच्छे ईईपीरम यहाँ कौन ना इरेजिबल जो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ इलेक्ट्रिकली केवल लगे यहाँ इलेक्ट्रिकटा पूर्व लगे। ठीक अच्छे ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डिटेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर, तो कौटा भितर मोस्ट पॉपुलर मीडियम जो थे कि आम डायरेक्ट एक्सेस कर सेकेंडरी स्टोरेज को गोटे कंप्यूटर ना आमर जो भी कौन रहा ना मैग्नेटिक डिस्क, आमर ये मैग्नेटिक टेप नुह कि राम रम नुह, मैग्नेटिक डिस्क गोटे पॉपुलर मीडियम आम कहीपर जो थे कि आम सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्ट एक्सेस करूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फास्ट मेन मेमोरी एंड स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौटा का आमर फास्ट मेन मेमोरी आउ कौन एंड स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ कौन ना यहाँ वर्चुअल मेमोरी हम है, ऑप्शन डी हम ये राइट आंसर, राम करनी वर्चुअल मेमोरी यहाँ है, फास्ट
फास्ट मेन मेमोरी आउ पेरिफेरल जो आम हैंडल करुचे कंप्यूटर स्लो देन नेक्स्ट कौन हम द स्ट्रक्चर चार्ट यूज स्ट्रक्चर चार्ट कौन कह ना स्ट्रक्चर चार्ट मन रखि गोटे कौन ना हेयर चेकल पैट्रोटिंग ऑफ द प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर चार्ट आम कहे द नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस मे बी रेफर्ड टू एज एन को प्रकार अप्रोच आम कहू जो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन आउ बॉटम अप अप्रोच जो भी रहा को प्रकार अप्रोच रहा इंटरप्रेटिव अप्रोच इंटरैक्टिव अप्रोच इंटरगेटिव अप्रोच नॉन ऑफ दिस यस इंटरैक्टिव अप्रोच ऑप्शन बी हम ये राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट सब शॉर्टकट्स की शॉर्टकट्स आसीगला तैयार हो जाओ आंसर दबा कि फास्ट क्वेश्चन हाउ विल यू स्विच टगल कीज आइदर ऑन और ऑफ टगल की बारंबार कहे जो तुम कौन गोटे टगल की आम कौन करू टगल की राम टे मत आगे कहीदि देन जामें जहाँ भी तुम कौच डिस्कसन करवा टगल की मत कह कौन टगल की राम कौन ना जो भी आम फंक्शन रहा फंक्शन भितर आम जो चेंज करुचे जोटा से आम टगल की कहू जेटा गोटे आम जो भी गोटे फंक्शन को टर्न अफ बा टर्न अन् करने दुटा फंक्शन भितर आम टगल की व्यवहार करूँ है तो टगल की कौन हम ना आम नम लॉक प्लस साइन जदि देखा है फाइव सेकेंड पाई हम प्रेस नम लॉक पांच सेकेंड पाई है प्रेस नम लॉक फॉर फाइव सेकेंड नम लॉक कौन कह ना नंबर लॉक है नंबर लॉक ठीक अच्छे द नेक्स्ट क्वेश्चन एफ फोर की इज यूज एफ फोर की आम कौन पाई व्यवहार करूँ आंसर जल्दी जल्दी पिला माने दबा को ट्राए करो जल्दी जल्दी आंसर दियो जो माने भी आंसर देन एफ फोर की आम कौन पाई यूज करू ना डिस्प्ले करिया पाई कौन टू डिस्प्ले द आइटम्स इन द आक्टिव लिस्ट हला टोटल क्वेश्चन 200 अच्छे 200 क्वेश्चन ऊपर अच्छी तले नुह ऊपर अच्छे 200 क्वेश्चन एभव अच्छे हला 200 क्वेश्चन डेढ़ घंटे कवर करी है तेणु जो माने भी क्लास को देखिन आउ थरे भी जाई देखिन रिविजन हो जीवो इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द फास्ट सब फोल्डर प्रेस फास्ट सब फोल्डर को सिलेक्ट करिया पई कि हला तले कौन करिवो तुम माने ना राइट एरो को प्रेस करिवो सिलेक्ट हो जीवो राइट एरो चारटा एरो थाए कीबोर्ड रे लेफ्ट राइट अप डाउन त राइट एरो को जदि क्लिक करिवो फास्ट सब फोल्डर सिलेक्ट हबो Which key is used to open organize favorite dialog box? Favorite dialog box, organize favorite dialog box. तो सेतिपाई कि बता को ओपन करिया पई कि हमें को की की यूज करू एटे बहुत जन पिला आंसर आउ गोटे दबो जानिछि डेफिनेटली एटा जानिछि बहुत पिला गोटे अलग आंसर दबो जे सी आंसर कंट्रोल प्लस ई अरे कंट्रोल प्लस ई नो एटी कोन हबो ना कंट्रोल प्लस बी हबो कंट्रोल बी कोन आम पढ़ीचे कंट्रोल बी बोल्ड किंतु साइड रे तुमको दे दी ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल बी माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट वेबसाइट देखि पारु थिबो एटी हला डायरेक्ट तुम मैंने विश्वास करिवनी बेली एटी इमेज टाणी के पकेजे ठीक अच्छे बहुत जन पिला कमेंट सेक्शन लिखे सार आप भूल पढ़े कि पलैले आम बर्बाद जो गोटे वार्ड सुनन आम बर्बाद तो से जिनसा लिखीदेव काले से कि इमेजटा भी पकईदे द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह टैस इज यूज टू डिस्प्ले द करेन्ट सिलेक्शन इफ इट इज कोलाप्सड है तो कौटा को आम यूज करूँ कौन करेन्ट सिलेक्शन को डिस्प्ले करने यूज टू डिस्प्ले द करेन्ट इफ इट इज कोलाप्सड जदि कोलाप्स हो कटि जा जिनस को सिलेक्ट करने करेन्ट सिलेक्शन को आम डिस्प्ले करने कौटा को आम यूज करवा ना टू डिस्प्ले कौन राइट आरो को आम व्यवहार करवा ऑप्शन टू एंटर नुह राइट आरो को आम व्यवहार करवा एंटर किए कहला द नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट की विंडोज लोगो ब्रेक प्लस ब्रेक यूज कौन पाई करू ना यूट्यूब ऊपर देखी थी कीबोर्ड पॉज आउ ब्रेक थाए ये जो पॉज आउ ब्रेक दुटा जाक थाए गोटे की यहाँ कौन पाई व्यवहार कराए
ना टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स तो देखिया बैंकि सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स टाकु तो सेति बैंकि आमे आकु व्यवहार करी थाउ ठीक अछि। तो पिला माने जो माने भी क्लास देखुचो गोटे लाइक खाली करो, लाइक ही दरकार आउ किछि भी नै, लाइक गोटे लाइक करिवो आउ कमेंट करिवो। तुम मानकर लाइक, तुम मानकर कमेंट, तुम मानकर सपोर्ट हला एडा मानो पेंकि जस्ट लाइक ग्लूकोज ठीक अछि। ग्लूकोज बढ़िया जिते दब आम एनर्जी सेते बढ़ ठीक अच्छे। दे नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, तो ऑप्शन न बैकवर्ड को केमती जापर तुम मैंने कह हाउ टू मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, ऑप्शन न पछुक पछुक केमती जीव ना शिफ्ट प्लस टैब तुम मैंने क्लिक करके जापर शिफ्ट प्लस टैब ओके 20 थर करदे लाइक ओके ठीक अच्छे। 20 थर कले तो हेनी आई थिंक आउ थे कर दि हाउ टू मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब, टैब रे बैकवर्ड केमती जीव एठी कौन पचारा क्वेश्चन देख ऑप्शन ने केमती जीव एठी टैब कथा नेक्स्ट क्वेश्चन टैब पचारछि जे केमती टैब रे बैकवर्ड जीव हला मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब, टैब रे केमती बैकवर्ड जीव ना कंट्रोल शिफ्ट टैब त माने क्लिक करिया पड़िबो ऑप्शन 1 होबो एठी राइट आंसर हला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह इन ऑर्डर टू सर्च सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर द की इज यूज्ड, सर्च पाई कि कौन एठी सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर गोटे फाइल वा फोल्डर को सर्च करिया पई कि कोडा क्लिक करिवो ना तमे विंडोज लोगो प्लस एफ करि परिवो किंबा एफ थ्री भी करि परिवो तनो बोथ 1 एंड 2 हबो जो माने भी बोथ आंसर दउछो ठीक अछि, जो माने बोथ दउ ना भूल आंसर हबो ठीक अछि। कौन गोटे सेकंड, गोटे सेकंड पिला माने कौन जेके ओके ओके गोटे सेकंड, गोटे सेकंड पिला माने ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह हुईच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच बिटवीन एनलार्ज्ड एंड नॉर्मल मोड व्हेन द कैरेक्टर इज सिलेक्टेड, तो जो कैरेक्टर आम सिलेक्टेड हो जाए कौ शॉर्टकट की आम व्यवहार करवा जे एनलार्ज करने नॉर्मल मोड करने जो भी कैरेक्टर को आम सिलेक्ट करे सेपाई कि आम स्पेस बार को आम क्लिक करवा ऑप्शन 2 हम ये राइट आंसर स्पेस बार आम व्यवहार करू से कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आम कौन पाई व्यवहार करूचे टे कहीदि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पे मन रखिथ्वे यहाँ जे गोटे नुआ विंडो ओपन ए न्यू विंडो पाई आम व्यवहार करूचे ऑप्शन 3 ये हम राइट आंसर ठीक अच्छे। बहुत जन पिलांकर वर्तमान मुंड बिंदीमणी 4 बाजला जे कौन ना क्या क्रिकेट बाड़िया जावा क्रिकेट पाई जावा क्रिकेट बाड़ियापी बुलाई जावा टिके आध घंटे टाइम लगे क्वेश्चन आंसर सर जी देन जीव ठीक अच्छे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू डिस्प्ले द फेवराइट मेनू यूजिंग शॉर्टकट की, तबे फेवराइट मेनू जहाँ भी रहिला शॉर्टकट की रे केमती देखे पारिबो डिस्प्ले करि पारिबो फेवराइट मेनूटा को ठीक अच्छे। भूल कहले कि तुम मैंने बहुत जन हस चिन्ह दौ भूल कहीदे बोधे ना मुझे टाइम टाइम 4 कहीदेली बोली पड़ेल ना कौन कह ए कह जे फेवराइट मेनू को देखापी कि आम कौ शॉर्टकट की यहाँ व्यवहार करवा ना ऑल्ट प्लस ओ है यहाँ व्यवहार करवा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्ट प्लस F4 आम कौन पाई व्यवहार करू ऑल्ट प्लस F4 ऑल्ट प्लस F4 क्लोज द एक्टिव आइटम क्विट द एक्टिव प्रोग्राम क्लोज द कंसोल सबूपी व्यवहार करू हला टू साइकल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन विंडोज और ऑन द डेस्कटॉप यूज हला स्क्रीन एलिमेंट जहाँ भी रहा हमर कौन साइकल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन विंडोज और ऑन द डेस्कटॉप यूज जो भी स्क्रीन एलिमेंट रहा आम कौन सब आदि यूज करमती आम ओपन करे कौ कौ जिन क्या ओपन करा ओपन कर जिन ओपन कर सैकलटा रहा से कहे तो ये सब जिनस आम केवल F6 की रे देखिपर ऑप्शन 1 एठी हम राइट आंसर F10 करनी भूल हम F6 की रे आम कौन कर ना जहाँ भी एलिमेंट्स गुड़िक आम विंडोज वो डेस्कटॉप रे यूज करे गोटे साइक्लिक वे आम देखिपर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन द की दैट इज यूज टू अपडेट द एक्टिव विंडो तो कौ कीटा आम व्यवहार करू एक्टिव विंडो को अपडेट करने कि इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी क्लास
ମାନେ ସରିବା ଯାଏ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ରିଫ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରେସ୍। ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, F5 ବଟନ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ହାଉ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସର୍ଟକଟ୍ ଟୁ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁ ବି ଆଇଟମ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛେ ତାର ସର୍ଟକଟ୍ଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିଫ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇଟମ୍କୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରୁଥିବ। ଅପସନ୍ ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିଫ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଡ୍ରାଗିଂ ଆନ୍ ଆଇଟମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ, ତ କେଉଁ ଗୋଟାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ହେଲା, ଯେ ଆମର ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୋଟା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା, ସେ ଟେକ୍ସଟକୁ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କି, ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ, ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ବି କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହବ, ଯେଉଁଟା କଲେ ବି ଚଳିବ। ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦ ମେନୁ ବାର୍ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ବା ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ମେନୁ ବାର୍ଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ନା ଆମେ F10 ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁକି ଫଙ୍କସନ୍ କି 10କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଟୁ ଓପନ୍ ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍, ଯେ ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁକି କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା, କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଟୁ ଓପନ୍ ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ESC ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ESC ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେ ଟାସ୍କ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆମର ଟାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ଦ ଆମର ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ଦ ଇନ୍ସର୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ, ତ ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫର ତାର ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତାର ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ରହିଲା ସେଠିକି ମୁଭ୍ କରିବ ହେଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାରାଗ୍ରାଫର ଯେଉଁ ବି ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫ, ତ ସେଥିପାଇଁକି କ'ଣ ମାରିବ ନା ତମମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅପ୍ ଆର ମାରିବ, ତ ଏଇଟା ମାରିଲେ ତୁମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ଡିଲେ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲେସିଂ ଦ ଆଇଟମ୍ ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲେଟ୍ କରୁ ସେଇଟା କେଉଁଠିକି ଯାଏ ନା ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍କୁ ଯାଏ, ନା ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଲୋଗୋ ଥିବ ଦେଖିବ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇକି ତା ଦେହକୁ ଯାଏ, ସେଠିକି ଯିବନି ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା ଆମେ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡିଲେଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁ। ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡିଲେଟ୍ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ ମେନୁ ଫର୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍, ତ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛେ ତାର ସର୍ଟକଟ୍ ମେନୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ସର୍ଟକଟ୍ ମେନୁ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ରେ, ନା ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ F10 ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ F10 ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ F10 ଥ୍ରୀ ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେନୁ ଫର୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ତମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେନୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ କେମିତି ଦେଖାଇ ପାରିବ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେନୁକୁ ହେଲା, ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେନୁ ଫର୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ନା ସେଥିପାଇଁକି ତମେ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ ମାରିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଅପସନ୍ 4 ଏଠି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁ କେଉଁଠି ଥାଏ, ତଳେ ଥାଇବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିକି ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁକୁ ଡିସପ୍ଲେ କେମିତି କରାଇବ ନା ମନେ ରଖିଥାଉ, ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁ ପ୍ରେସ୍ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ESC, ଅପସନ୍ 3 ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ESC। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ, ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସକୁ କେମିତି ସୋ କରାଇବ ନା ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ସଦାବେଳ ପାଇଁକି ମନେ ରଖିଥିବ, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିକି ତାକୁ ସୋ କରାଇ ପାରିବ। ଅପସନ୍ 2 ଏଠି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏଣ୍ଟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ହେଲା, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିଦେବା, 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଧ ମିନିଟିଏ। ହାଉ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ କନ୍ସୋଲ୍, ତ କନ୍ସୋଲ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବା, ହାଉ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ କନ୍ସୋଲ୍, ନା ଆମେ
Alt plus F4 रे हमें क्लोज कर परबा कंसोल को देन द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले विंडोज हेल्प तो कू शॉर्टकट की टा में व्यवहार करू विंडोज हेल्प पई कि ना विंडोज हेल्प पई कि विंडोज लोगो प्लस F1 हला विंडोज लोगो प्लस F1 हमें यूज करू ऑप्शन 1 हो बठी राइट आंसर कोन जणे पछले कोन ना कंसोल कोन ना कंसोल तमन को कह देवा पई कि चाहेबी जे कुटे कंप्यूटर रो बा हमें कह परबा आमर बेसिक कंप्यूटर बा आमर मॉनिटर बा कीबोर्ड रो गोटे कोन ना जोटा कनेक्ट है कि सब किछि मेन फ्रेम हमको देखाए हला तो सेटा को हमें कहू कंसोल तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह ऑल्ट प्लस अंडरलाइंड लेटर इज यूज टू ऑल्ट प्लस अंडरलाइंड लेटर इज यूज टू हला ऑल्ट आउ अंडरलाइंड लेटर कौन पे यूज हुए ना यूज हुए परफॉर्म द करेस्पंडिंग कमांड सिलेक्ट द करेस्पंडिंग ऑप्शन दुटा जगह पे व्यवहार करा जाए ऑप्शन 3 हम ये राइट आंसर है तो लाइक कर पे जो मैंने भी लाइक करना लाइक गोटे लेखा कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम कह हाउ विल यू लॉक द कीबोर्ड तो तुम्हें केमती कीबोर्ड को लॉक कर पार हाउ विल यू लॉक द कीबोर्ड तो कीबोर्ड को लॉक करने को तुमको विंडोज लोगो प्लस L क्लिक करने पड़े विंडोज लोगो प्लस L विंडोज लोगो देखी थी कीबोर्ड रे ए टाइप रो स्ट्रक्चर गोटे लोगो थाए सबा तले स्पेस बार साइड रे हला देखि पारबो तमाने देन नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट की टू ओपन माय कंप्यूटर इज तो को शॉर्टकट की टा हमें व्यवहार करू माय कंप्यूटर को ओपन करिया पें कि ना माय कंप्यूटर पें कि हमें विंडोज लोगो प्लस ई व्यवहार करू विंडोज लोगो प्लस ई देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सर्च फॉर कंप्यूटर्स द शॉर्टकट की दैट कैन बी यूज्ड इज जो हमें जो भी कंप्यूटर को सर्च करिया पें कि बा जो भी कंप्यूटर कनेक्ट है जी ताको सर्च करिया पें कि को शॉर्टकट भी व्यवहार करू ना कंट्रोल प्लस विंडोज लोगो प्लस एफ हमें व्यवहार करू फाइंड कंप्यूटर जो हमें कहे कंट्रोल प्लस विंडोज लोगो प्लस एफ खाली विंडोज लोगो एफ नो कंट्रोल लगे व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप डेस्कटॉप को हमें देखा पाई कि डिस्प्ले करने जो ऊपर स्क्रीन आम डेस्कटॉप रही डिस्प्ले करने कि आम को शॉर्टकट की व्यवहार करू कि आंसर दौ देखा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमाम कि विंडोज लोगो प्लस डी आम व्यवहार करू विंडोज लोगो प्लस डी ऑप्शन 2 हम ये राइट आंसर भाभी चिंती आंसर दि जो मैंने भी आंसर दौ नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट आरो इज यूज टू टू लेफ्ट आरोटा आम कौन पे व्यवहार करू लेफ्ट आरो बाकर जो आरोटा था कोलैप्स द करंट सिलेक्शन इफ द आइटम इज एक्सपैंड यस एटा व्यवहार करू सिलेक्ट द पैरेंट फोल्डर यस यस पेंकि ऑल ऑफ द अबव हो बा दीटा जक हो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो बठी राइट आंसर हला दीटा जक व्हाई इज द शॉर्टकट की नम लॉक प्लस साइन यूज्ड नंबर लॉक आउ प्लस साइन एटा हमर कोन पेंकि यूज करा जाय बा को शॉर्टकट पेंकि हमें व्यवहार करू टू डिस्प्ले द कौन कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर जदि हमर कौन ना कौन से फोल्डर भितर कंटेंट अच्छी देखापे कि चाहिए बा ओपन कर देखा चाहिए तेल आम एटा को क्लिक करवा शॉर्टकट की देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ऑल द सब फोल्डर्स दैट आर अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर्स तो ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा सर मत बहुत भल लगुच ओके थैंक यू साई प्रकाश नंद ओके ओके ठीक अच्छे देन कह ये कह ना गोटे आम जो कहे फोल्डर है यहाँ जोटा कहे मेन फोल्डर ता भितर जो भी फोल्डर थाए से गुड़क आम सब फोल्डर को यहाँ सब फोल्डर यहाँ है मेन फोल्डर है कौन पचारा ना आम सब फोल्डर अच्छे ठीक अच्छे ये फोल्डर अच्छे तो कौटा क्लिक कले आम सब जाक सब फोल्डर को देखिपर यहाँ हिं पचार तुमको कौटा को आम कौ शॉर्टकट कीटा ये व्यवहार करवा ना नंबर लॉक स्टार मार्क है नंबर लॉक आस्ट्रिक साइन आम जब व्यवहार कले तो देखिपर द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू सिलेक्टेड फोल्डर कोलैप्स जो भी फाइल के आम सिलेक्ट कर फोल्डर जो कह फोल्डर को फोल्डर को आम सिलेक्ट कर कोलैप्स करवा डिसिलेक्ट करवा तो से कौन ना नंबर लॉक माइनस मार्क को हमें क्लिक करने पड़ो ऑप्शन 3 हम ये राइट आंसर सार आउ ब्रेन ने लोड होनी
ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାତ୍ର, ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, 15-20ଟା ଅଛି, ସରିଯିବ, 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଫିଲ୍ଟର କିଜ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍। ତ କେଉଁ ଗୋଟା କାହା ଭିତରୁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କି ଅନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବା, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱିଚ୍ କରିପାରିବା, ହେଲା, କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଫର 8 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ 2 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ସ୍ୱିଚ୍ ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଦର ଅନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍? ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବା। କେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ଲେଫ୍ଟ କ'ଣ ଅଲ୍ଟ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏ ତିନିଟା ଯାକକୁ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ରାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କ'ଣ, ଲେଫ୍ଟ ଅଲ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍, ହେଲା, ଏଇଟା ତିନିଟା ଯାକ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟିକି କିଜ୍ ଆଇଦର ଅନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍। ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକି କି ଥାଏ, ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକି କିଟାକୁ ୟେସ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍ ପାଇଁକି କେଉଁଟାକ ୟୁଜ୍ କରିବ ନା କେଉଁଟାକ, ସିଫ୍ଟ କି କି 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁକି ଚିପିକି ଧରିବ, ପ୍ରେସ୍ ସିଫ୍ଟ କି ଫର 5 ସେକେଣ୍ଡସ୍। ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲୋଗୋ ୟୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲୋଗୋ ସହିତ ୟୁ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିଲ କ'ଣ ହବ ନା, ୟୁଟିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜର ଖୋଲିଯିବ, ହେଲା, ଓପନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜର, ଅପ୍ସନ୍ 3 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହାଉ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ଦ ମିନିମାଇଜ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେଇଛ ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ଏଇ ତଳ ବାର୍କୁ ପଳାଇଯାଇଛି ବା ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା, ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିବ, କେମିତି କରିବ ନା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲୋଗୋ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ଏମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ପାଇଁକି ଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ, ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇକ୍ କରିନାହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହଁ। ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ସ୍ୱିଚ୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ, ଯେଉଁ ବି ତଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତଳେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଥାଉ ଏମିତି ରହେ, ହେଲା, ସିରିଏଲି, ତ ଆମେ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଯିବା, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ କେଉଁଟାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ପେଜ୍ ଡାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପେଜ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ, ହେଲା, ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଯିବ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଯିବ, ହେଲା, ସ୍ୱିଚ୍ ହେଇଯିବ ପଛକୁ ପଛକୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସାଇକେଲ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍, ତ କେମିତି ଆମେ ଟୁ ସାଇକେଲ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍, ତା ମାନେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ପଚାରିଲା, ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଧର MS Word ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ୟୁଜ୍ କରୁଛ କ'ଣ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲ କ'ଣ ନା, ଧର ଫଟୋସପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଧର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛି ଯେ କେମିତି ତୁମେମାନେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଆସିପାରିବ, ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ନା, ସେଥିପାଇଁକି କେବଳ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁ, ତ କେମିତି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରାଇ ପାରିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁ ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନୁ ଡିସପ୍ଲେ ହବ, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହୋମ୍, ଅପ୍ସନ୍ 2 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଦ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଟୱିନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ, ସ୍ୱିଚ୍ ଦ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଟୱିନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତ ୱିଣ୍ଡୋ ଆଉ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱିଚ୍ କରିପାରିବ ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରୁଛି, ନା କ'ଣ କରିବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଏଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଉଛ ଭୁଲ କି ସି ଦେଉଛ ବି ଭୁଲ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଉଛ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଓପନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ, କହିଥିଲି ଯେ ଓପନ୍ ଦ ଓପନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ,
କୋଉଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ନା ବୋଥ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଲ୍ ଯାହା କଲେ ବି ଆମର ଓପନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସଟା ଓପନ୍ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ, ତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିସପ୍ଲେ କରାଇପାରିବା। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ, ତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ କେବଳ ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡିଲେଟ୍ ହେଲା, ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରିବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁକୁ ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡିଲେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ସ୍ୱିଚ୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ବି ତଳେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଯିବା, ତ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଯିବା କେଉଁଟାକୁ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ କୁହ। ସେଠି ମାରିଥିଲେ ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପେଜ୍ ଡାଉନ୍, ଏଠି ମାରିବା କ'ଣ ନା ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପେଜ୍ ଅପ୍ ମାରିବା, ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପେଜ୍ ଅପ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ଟୁ ଓପନ୍ ଦ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଣ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏଣ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସଟାକୁ କେମିତି ଓପନ୍ କରିପାରିବ, ସର୍ଟକଟ୍ କି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହଁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା କରିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। କ'ଣ ଏଇଟା ହବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ଏଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଟୁ ହବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଲାଇକ୍ କଲ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହଁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା କର, କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର ହେଲା, ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ନାଇଁ ନ କହିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବନି ତୁମମାନେ, ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପଇସା ତ ପଡ଼ୁନି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା କରିଦେବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ ଫର୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସୋଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ତ କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ ଫର୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସୋଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ତ ଯେଉଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ କନ୍ସୋଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ତା ଦେହରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁକି କେଉଁଟା କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଓକେ, 4:30 ଏବଂ ହେଇଗଲାଣି, 4:20 ହେଇଛି, 30 ହେଇନି, 4:30 କେମିତି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା, ଏଥିପାଇଁକି ଆମେ ଅଲ୍ଟ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଏଠି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍। ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ ଢାବା ମାରୁଛି, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଢାବାରେ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଢାବା ମାର, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଢାବାରେ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଢାବାରେ ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, 4:30 ହେଲାଣି, ଓକେ ଦ ବିଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆଗ କରୁଛି, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇକ୍ କରିଛ, ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନା କରିଦେବ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିବ କ'ଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ MP3, MP3ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର, MP3ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା MPG1 ହେଲା, MPG1 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ସରିନି, ଓକେ ନାଇଁ 20ରୁ ଏଭବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ହେଲା, 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, MPG1, MPG2, ଓଡ଼ିଓ ଲେୟାର 3 ବା MP3ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା କରିବ ତୁମମାନେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେହି ବି ଭୁଲିବନି, ରେକର୍ଡେଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ ଆକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ଲାସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରହିଲା, ଫେସବୁକ୍ ରହିଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରହିଲା, ଟ୍ୱିଟର୍ ରହିଲା ବା ଏକ୍ସ ରହିଲା, ସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଥରେ ଦେଖ, ଯଦି ରିଭିଜନ୍ ନ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାର, 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବି, ଦେନ୍ ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର। କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଅଛି ପଚାରିପାରିବା ତୁମମାନେ, ଓକେ ଓକେ। ସାର୍ ଆମ ପଟେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେଉଛି, ଆସିବେ କି ଦେଖି,
ଓକେ, ତମ ସେପଟେ କ'ଣ ଆମର ଏଠି ଗାଁରେ ବି ଆସିକି କ'ଣ ଦାଣ୍ଡ ନାଚ ହରିକା ହଉଥିଲା, ଦେଖିନି ତ କେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଯିବା ଆର ବର୍ଷକୁ ଯିବା, ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯିବା। ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠୁ ବେଳୁ କହିଛୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଲୋପାମନ୍ତ୍ରା, ସ୍ନେହାଶିଷ, ତାପସ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଟିକେଶ୍ୱରୀ, ବର୍ଷା, ଦେବାଶିଷ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଭାନୁପ୍ରିୟା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଏକେ, ଚନ୍ଦନ, କୁନାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ରିତି, ନିରଜ, ସିଲନ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ବର୍ଷା, ବୀରବଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେ କେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ୱିଶ୍ କରୁଛ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାଇନ୍ସର ମ୍ୟାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣିବା କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିବା, ସବୁକିଛି ସାରିଦେବା ତୁମମାନଙ୍କର। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ? ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଦିନ ଠିକ୍ ତା'ର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ କେତେ ଦିନ? ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ହେଲା, ଏତିକି କହିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିବ, 24 ତାରିଖ ଯାହାର ବି ଅଛି, 15 ଦିନ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିବ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। 24 ତାରିଖ ଅଛି ନା, 24 ତାରିଖ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? 14 ଦିନ ଆଜି, ହେଲା, ଆଜି ଆସିଥିବ କିମ୍ବା କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ, ହେଲା, ଆଜି ଆସିଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଜି ଆସିଯିବ କିମ୍ବା କାଲି ଆସିଯିବ, 15 ଦିନ ଥିଲେ ୟେସ୍ ଆସିଯିବ ତୁମର, ହେଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଆରେ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆସିବ? ଓକେ, ଆସିବ ଇଭିନିଂରେ, ଆଜି ତ ହେଲା, ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ଆଜି ନ ଆସିଲା କାଲି ଆସିବ, କାଲି ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ପଚାର, ଦେନ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ ତୁମମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗ କୁହ, ଯେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କେଉଁ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍, ତ ତୁମମାନେ ହିଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବ କେଉଁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଏବେ ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାରାଥନ୍, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାଥନ୍, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟକଟ୍ କି ଅଛି, Ctrl+C, Ctrl+V। ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି କେବେ ଦେବେ? ହେଇନି, ହେଲେ ଦେବି ଆଉ। ଓକେ, ଏବେ ମାରାଥନ୍ ଆଣିବା, କେମିତି ଆଣିବା? ଓକେ ଓକେ, ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିପାରିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ସୁପର କ୍ଲାସ୍, ପୁରା ମସ୍ତ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ, ଟ୍ରାଏ କରିବା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଥିଲା ସାର୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ୟେସ୍, ମୁଁ ଜବ୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଡେଭଲପର୍ ମୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ହେଲା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛି, ମାନେ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ନାଇସ୍ କ୍ଲାସ୍, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସାର୍ 9:30ରେ, 9:30ରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍? ଓକେ, ପଛରେ କେବେ କହିବି, ମୋ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା ବେଳେ କହିବି, ଗୋଟେ ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ହେଲା, କେତେବେଳେ କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ ଅଛି, ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ ଅଛି, ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କ'ଣ, ହାଇ ପେଇଂ ଜବ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ କହିବି, କେବେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ କହିବି। ଜଗତସିଂହପୁର, ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, କେବେ ଗୋଟେ କହୁଥିବି, ମୋ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଯିଏ ଶୁଣିବ ହସି ହସିକି ଗଡ଼ିବ, ହେଲା, ତେଣୁ ପେସେନ୍ସ ରଖ, ଶୁଣିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିବ। ନାଇଁ ପଇସା ହିଁ ପଇସା ନାହିଁ, ବହୁତ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଯଦି କିଏ କିଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦାନ କରିପାରିବ। ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର।
କହିବି ଷ୍ଟୋରି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କି ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କି ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେଇ କାମଟା ହିଁ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ବିଟେକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇଲି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇଲି, ଅଲଗା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ପଳେଇଲି ଆଉ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ଯାହା ଲେଖୁଛ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ଓକେ, ଜଗତସିଂହପୁର ତମ ମାମୁଁ ଘର, ଓକେ ବହୁତ ଭଲ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇକ୍ କରିନାହୁଁ କରିଦେବ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାହା ବି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଜଣେଇବ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ଅଛି କରିବାର କରିପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସି ୟୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି।